राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो भगवान से ऐसा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। 8:30 बज चुके हैं, तो कपड़े धोकर डाल दिए तार पे, और ये धोती है बाल्टी डोली, तो साफ सफाई का ध्यान चल चुका है, तो ये डोली भी धोकर रखती है और बाल्टी, क्योंकि इसमें है ऊपर चावल, बासमती चावल, और नीचे है मक्की का आटा। ये डोली और बाल्टी में दोनों मिलता कर रखूँगी। फ्रिज मेरा साफ हो चुका है और रखा है गैस पर गर्म पानी, तो धोऊंगी नमक मिर्च के डिब्बे। देखो बर्तन भी कैसे बिखर रहे, और ये है फिर साफ करके ना बाहर धूम में सूखने के लिए रखूंगी, तब बर्तन साफ करूंगी। और ये ढोली, इसमें चावल दिखाऊंगी सूख कर कपड़ा मारकर अच्छी तरह। ये बाल्टी है, इसमें मक्की इकट्ठा दिखाऊंगी, और ये नमक की थैली है तो उन्हें साफ करके, और ये किनकी है चावलों की, ये सभी साफ करके रखूंगी। तो 8 से 9 बज चुके हैं और अब तक हुआ है मेरे पे किचन साफ, तो किचन साफ तो हो गया है। तो सारा किचन साफ कर दिया है मैंने, और ये हैं कपड़े जो छत पर फैला कर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तार पर कहीं भी जगह नहीं है, सारे तार भरे पड़े इधर के भी उधर के भी। और ये है खाना, क्योंकि अब जब खाने की करूँगी तैयारी, खाना बनाने की तैयारी करूँगी, तो बनाऊँगी तोरी और आलू मिक्स करके, कि खाली तोरी तो खाने के नहीं, तो इसलिए अब जब खाना बनाने की तैयारी करूँगी, इतना ये ढोली बाल्टी सब सूख जाएगी, फिर जितना भी ये सारा सामान रखा हुआ है, चावल और ये चावल है इसमें हाजी काशिया दोस्तों नाम ले रहा, भी अच्छा नहीं लगता। और यह है मक्की का आटा पीले कट्टे में, और ये किनकी, तो ये सब रिता का सुखा कर बाल्टी को और कपड़ा मार के अच्छे से मैं रिता कर रखूँगी, तब पहले तो मैं कपड़े फैला कर आती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो धूप में ये रखे डबल पड़ के गद्दे सूखने के लिए, कि आज धूप निकल गई। और तेल चढ़ा दी है चूल्हे पर, तो डालूँगी तेल। और ये है तोरी और आलू मिक्स, तो आपको बता देना चाहती हूँ कि बच्चे तोरी बिल्कुल नहीं खाते, और तोरी नहीं बनाऊँगी, तोरी बिरान हो जाएगी, 2 दिन की रखी थी, तो इसलिए आलू मिक्स कर लिए इसमें, तो आलू और तोरी सूखी बनाऊँगी, ताकि मेरी आलू तोरी भी वेस्ट ना जाए और बच्चे भी खा लें, इसलिए आलू तोरी मिक्स करके बनाऊँगी। तेल गर्म हो गया है, तो डालूँगी जीरा, जीरा हो गया है, और डाल दिया है टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, और अच्छे से मिक्स करूँगी। और बनाऊंगी पेस्ट, उसके बाद डालूंगी। ग्रेवी बनकर हो गई तैयार, तो मसाला पक चुका है, और डालूंगी कटी सब्जी। रोटी भी बन चुकी है, रोटी पर घी लगा था और इस पर धरती रहूंगी। बना बना नहीं, मैदा बचा रखा, वो कहाँ खराब हुआ है? खराब तो नहीं होने का, फिर का नागत लग जाएगा, मुँह का तोड़ लेते, ये तो पर फिर बाद आया चढ़ गया। कहाँ दिन तक की बारिश आ? 2-3 दिन का है। 2-3 दिन की, तो यानी सीम नहीं तोड़वानी नहीं, फिर उसके बाद मुँह का नागत लग जाएगा, आज ही काज से होगी। सब्जी कैसी लग रही है आपको? मिक्स करके बनाए कि बच्चे तोरी तो नहीं खाते, और ना बनाते फिर ये खराब हो जाती, क्यों एक टाइम की सब्जी का नाश करा। थोड़ा आलू डाल दिए इसमें, आलू और थोड़ी कटी नमक मिर्च का ठीक है, और क्या बड़े बेकार है, आलू बेकार है थोड़ी ना।
तो ये खा रहे हैं खाना मट्ठा और तो आलू तोरी की सब्जी। आलू के साथ में बच्चे तोरी खा लेंगे यानी नू खावे नहीं थे। एक टाइम की सब्जी बिरान होती आज इतनी महंगाई के जमाने में सब्जी बिरान तीन पोस गए। वैसे तो आज इतने हैंडसम से क्यों लग रहे जी, घने सोने लग रहे हैं, कैमरा सोना हो गया सारा। तो गाइस हम तोड़ रहे हैं सिवनी, तो मौसम खराब हुआ था पर हमें हिम्मत नहीं आ रही तो हम देख रहे हैं सिवनी तोड़ने के लिए। लाओ तो प्याली, आला की प्याली है फूल से। अब मुझे इसके लिए चाय बनानी पड़ेगी। क्या चिप्स? हाँ अब चिप्स ला रखे हैं।